गुड मॉर्निंग एवरीवन, कॉन्टिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने अपनी लर्निंग शेयर की थी रिगार्डिंग कि ऑनलाइन अटेंडेंस का चार्ज आप कैसे रख सकते हैं। सो कॉन्टिन्यूइंग विद दैट मेथड ओनली फर्स्ट और देन मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट मेथड इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने अपना लास्ट मेथड किया था जहाँ पर हम गूगल की एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग अपना ट्रैक रख रहे थे अटेंडेंस का। यहाँ पर आप कुछ और भी फीचर्स अवेलेबल हैं एक्सेल में जिसका आप यूज कर सकते हैं अपनी जो अटेंडेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो स्टूडेंट्स हैं उस इंटरफेस में कुछ चेंजेस अगर वो करते हैं तो आपको वो चीज़ पता चल सके। तो यहाँ पर जो चीज़ आप यूज कर सकते हैं, जो एक ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज प्रोटेक्टेड शीट्स एंड रेंजेस का आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। टूल्स में आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम प्रोटेक्ट शीट की बात कर रहे हैं या फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है उसकी बात कर रहे हैं, हम इसे यूज कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सपोज आपका संडे है, संडे को आप चाहते हैं प्री अटेंडेंस मार्क ना करें, तो उस जो डेट है पर्टिकुलर उसका जो रेंज है आपका वो पर्टिकुलर कॉलम को आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कोई भी अपनी जो अटेंडेंस है या जो कमेंट है वो इसमें फिल नहीं कर पाएगा। आप ये यूज कर सकते हैं। इस चीज़ को ऑटोमेटिक भी बनाया जा सकता है जब हम इस चीज़ को फुल कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो चीज़ नेसेसरी होगी दैट इज कंप्यूटर के कुछ जो फॉर्मूलाज हैं, आपको एक्सेल के जो फॉर्मूलाज हैं उसको यहाँ पर फिक्स करना होगा। और अगर आप कंप्यूटर के जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में आपको नहीं पता है तो बेस्ट जो सिंपलेस्ट वे है आपके लिए दैट इज कि उस कॉलम को जाके आप जो प्रोटेक्ट का ऑप्शन यूज करेंगे तो उस कॉलम का जो रेंज है उसको सेलेक्ट करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन उस पर्टिकुलर कॉलम में जो संडे का आपका डे है उसमें अपनी अटेंडेंस के लिए कमेंट नहीं दे पाएगा, या आप खुद उसमें कुछ अगर सेल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपने आप को राइट दे सकते हैं कि सिर्फ उसमें जो प्रोटेक्टेड चीज है उसमें जो चेंजेस है उसमें जो एडिट है सिर्फ आप कर पाएंगे। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम यूज कर सकते हैं जो संडे है उसको डिटेक्ट करने के लिए। और इसमें बहुत सारे एक्सेल के और जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं जिन्हें यूज करके आप जो अपनी अटेंडेंस की फेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट जो मेथड है वो कंप्लीट करते हैं, मूविंग टूवर्ड्स अवर सेकंड मेथड। कि सेकंड मेथड क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी अटेंडेंस से जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो कॉमनेस्ट मेथड है और जो मोस्टली सब पर्सन यूज भी करते आ रहे हैं वो क्या है, गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम अपनी अटेंडेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले जो गूगल फॉर्म का ऑप्शन है वो हमें खोलना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट अपने ब्राउजर पर जाकर गूगल फॉर्म क्लिक कर सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल आईडी को खोल के जो 9 डॉट्स आपके अवेलेबल होते हैं वहाँ पे आप गूगल फॉर्म का ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एक ब्लैंक फॉर्म लिया हमने, या अगर आप एक ऑलरेडी आपका बना हुआ है फॉर्म उसमें भी एडिट आप कर सकते हैं। तो एक बार हम फॉर्म बना लेते हैं। बेसिक अटेंडेंस में हम जो यहाँ पे फॉर्म में डाल रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायर है, सबसे पहले फॉर्म का टाइटल दे देते हैं, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहें, सबसे पहले जो अटेंडेंस में हमें रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए थी जैसे हम कहते हैं कि मेन बच्चे का पता हो, हमें रोल नंबर पता हो, क्लास पता हो और किस स्टेज की वो अटेंडेंस लगा रहा है। तो ये चार बेसिक चीज़ें हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा शॉर्ट आंसर इसे कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया। देन नेक्स्ट नेम के बाद क्लास हमने ले ली। सपोज अगर हमारे पास 3 क्लासेज है तो हम यहाँ पर ऑप्शन ले सकते हैं,
फिर हमने रिक्वायर्ड क्वेश्चन बना लिया, और क्लास के बाद हमने ऑप्शन लिया रोल नंबर का। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड हम ऐसे कर ही रहे हैं, रिस्पॉन्स वैलिडेशन का जो ऑप्शन है हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम नंबर लिख रहे हैं कि वो नंबर नंबर में होना चाहिए, यहाँ पर हम इसके लिए कंडीशन लगा सकते हैं कि जो नंबर है, अगर सपोज हम बिटवीन का कंडीशन लगाते हैं कि अगर नंबर जो आप रोल नंबर फिल कर रहे हैं, सपोज मैं कहती हूँ मेरे जो बी कॉम के रोल नंबर हैं उनका एक पर्टिकुलर डिजिट होता है, 10 डिजिट का है, या आपका 3001 से शुरू होकर 3050 तक है, तो मैंने यहाँ पे अपना जो कंडीशन है वो लगा दिया कि 3001 से लेकर 3050 का जो रोल नंबर है सिर्फ वही रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेंज का जो ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये किसी भी जो ऑप्शन का अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जैसे मैंने नंबर का जो कंडीशन है वो लगाया है, तो आप चाहें तो रिस्पॉन्स वैलिडेशन के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन में डाल रही हूँ डेट, डेट फॉर्मेट में आएगा और इसको मैंने रिक्वायर्ड बना लिया। तो ये मेरा बेसिक का सिंपल गूगल फॉर्म सेलेक्ट हो गया। अब इसमें स्क्रीन्स वगैरह जो भी आप लगाना चाहें ऐड कर सकते हैं, कि अटेंडेंस चाहता है, या अगर आप इसमें कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल यूज करना चाहते हैं, कोई पिक्चर की इमेज देना चाहते हैं आप चाहते हैं, तो कुछ भी जो भी है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अपने फॉर्म पर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। दो चार बेसिक्स आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद सेटिंग्स में आप जो रिस्पॉन्सेज हैं उसमें आप इसे लिमिट टू वन रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। इसका रीज़न जो ये है कि सेम फॉर्म अगर हम बच्चों को दे रहे हैं और एवरी डे वो सेम फॉर्म से आपका फिल कर रहा है अपनी अटेंडेंस, तो अगर आप लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर देंगे तो वो खाली एक ही बार उस फॉर्म को फिल कर पाएगा, वो उसे रीयूज नहीं कर पाएगा। तो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स हम यहाँ पर नहीं करते हैं। उसके बाद हमने उसको सेव कर दिया और हम उसको शेयर कर लेते हैं। हम जहाँ भी जिसकी माता जी थे उसको शेयर करना चाहते हैं, एम्बेडेड कोड के थ्रू शेयर करना चाहते हैं क्लासरूम में, या फिर आप लिंक के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, तो आप ये जो लिंक है कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ईमेल के थ्रू, या अपने ट्विटर पे या फेसबुक पे, जहाँ पर भी आप जो इंफॉर्मेशन है शेयर करना चाहते हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैसे इसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हम फिल करते हैं। सपोज जहाँ पर हमने दो चार जो रिस्पॉन्सेज हैं फिल करके उसके बाद देखते हैं कि अगर इसका चार्ज हम कैसे रख सकते हैं। जैसे बिटकॉइन वन के लिए हम फिल किया और उसकी देखने कर लेते हैं सबमिट कर दिया, अनदर रिस्पॉन्स में सबमिट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने किया रमजान के लिए कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे सपोज देखिए अब मैं नेक्स्ट डेट के लिए फिल कर रही हूँ। हमने दो चार रिस्पॉन्सेज जो हैं फिर यहाँ पे कर लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली हम इसका यूज कैसे करते हैं अटेंडेंस को ट्रैक करने का। जो इसका यूज है वो डिपेंड करता है क्योंकि एक्सेल शीट पर, तो टीचर के लिए बेनिफिशियल इसी शीट पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेल शीट ओपन की, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हम यहाँ पर फिल्टर का यूज कर रहे हैं। तो हमने सेलेक्ट किया इसको और यहाँ पर हमने फिल्टर का यूज किया, हमने यहाँ पे टर्न ऑफ ऑन कर लिया फिल्टर को। अब यहाँ पर जो आप फिल्टर है आप अपनी अकॉर्डिंग जितनी डेट की आपको अटेंडेंस देखनी है, जितनी क्लास की अटेंडेंस देखनी है, उसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेज फिल है अगर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सेज कम है तो हमें दिख पा रहे हैं आप,
बीकॉम 1 के रिस्पॉन्सेज हैं, बीकॉम 2 के रिस्पॉन्सेज हैं। तो अगर मुझे सिर्फ बीकॉम 1 के रिस्पॉन्सेज देने हैं, तो मैं यहाँ पर फिल्टर जो है अपना बीकॉम 1 का खाली सेलेक्ट कर दूँगा। तो मैंने ओके किया, तो मुझे सिर्फ बीकॉम 1 की अटेंडेंस दिखा रहा है। अब इसमें भी मैं डेट का फिल्टर भी लगा सकती हूँ कि मुझे सिर्फ 23rd डेट की अटेंडेंस देखनी है। तो यहाँ पर मैंने 23rd डेट की अटेंडेंस तो देखिए, तो इसी तरीके से रोल नंबर वाइज आप फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। नेम वाइज अगर आपने बच्चे की अटेंडेंस देखनी है तो आप फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे अगर सपोज एक पर्टिकुलर बच्चा है, मुझे ये देखना है कि पूरे सेशन में वो कितनी बार आया है, पूरी क्लासेज में वो कितनी बार आया है, तो मैं नेम का फिल्टर खाली लगा दूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि कब कब प्रेजेंट रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल बच्चा है उसकी रिपोर्ट आप निकाल पाएंगे फिल्टर यूज करके कि वो कब कब प्रेजेंट रहा है, उसका अटेंडेंस का रिकॉर्ड। या अगर आप क्लास वाइज चाहते हैं तो आप फिल्टर क्लास में लगा सकते हैं। आप रोल नंबर वाइज चाहते हैं, रोल नंबर वाइज लग जाएगा। डेट वाइज आप फिल्टर लगाएंगे तो आपकी एवरी डे की जो डेट वाइज है, आप एवरी डे की, एवरी क्लास की आपकी फिल्टर होके आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो गूगल फॉर्म है और एक्सेल शीट जो उसके लिंक स्प्रेडशीट है उसका यूज करके हम अटेंडेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। जो थर्ड मेथड है उसमें अकॉर्डिंग होकर हम हमें मिल सकते हैं। थैंक यू।